Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are safe at your home. So students, I hope all of you are doing your homework regularly. Please send your homework for checking. Okay? So students, in today's class we are going to discuss the NCERT question answer of lesson 6 soil. हम कंप्लीट कर चुके हैं सॉइल लेसन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. सो आज इनके क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे हम. सो लेट्स स्टार्ट. मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल, हमने टाइप्स ऑफ सॉइल में पढ़ा था. तो यहाँ पर हमें उस सॉइल का नाम बताना है जिसमें दो फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज कि वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है. हियर प्रोडक्टिव मीन्स फर्टाइल. एंड वाइड स्प्रेड मतलब इंडिया का एक लार्ज प्रपोर्शन कवर करती है. सो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आपको पता है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल वो सॉइल जो रिवर्स अपने साथ में लेके आती है माउंटेन से एंड उसके बाद भी उन्होंने डिपॉजिट किए जो सॉइल जिससे कि नॉर्दर्न प्लेन बना है, दैट इज द एलुवियल सॉइल. सबसे ज्यादा फर्टाइल है एलुवियल सॉइल. एंड वाइड स्प्रेड इंडिया का जो बहुत सारा एरिया कवर करती है तो दैट इज एलुवियल सॉइल 43%. कई बुक में ये एंड अदर बुक्स में ये 45% भी है. सो यू कैन राइट 43-45% एलुवियल सॉइल कवर्स द इंडियाज लैंड. ओके, सेकंड क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ रेगर सॉइल. सो रेगर सॉइल का दूसरा नाम या किस सॉइल को रेगर सॉइल कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. तो ये जो नेम है ये हमें लर्न करने हैं. ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल और रेगर सॉइल ये तीनों ही सेम है जस्ट बिकॉज कॉटन का प्रोडक्शन ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से होता है. और उसको रेगर सॉइल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन है वो लावा के डिपॉजिट होने से हुआ है. जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो लावा डिपॉजिट होता है दूर तक के पार्ट्स में जिसे बेसाल्ट कहा जाता है. सो बेसाल्ट में कौन सी सॉइल मिलती है, रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, बोथ आर सेम. थर्ड क्वेश्चन, मेन रीजन फॉर द लॉस ऑफ द टॉप सॉइल इन इंडिया. सॉइल की जो टॉप लेयर है अगर वो रिमूव हो जाती है उसको बोलते क्या है, दैट इज कॉल्ड द सॉइल इरोजन. तो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द मेन रीजन फॉर द सॉइल इरोजन. इंडिया में सॉइल इरोजन का मेन रीजन क्या है, इरोजन के लिए वाटर एंड एयर टू एजेंट्स आर इम्पॉर्टेंट. बट इंडिया में जो इरोजन होता है वो विंड से ज्यादा होता है. यानी कि सरफेस पर जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर है उसका इरोजन विंड ने ज्यादा किया है. ओके, नेक्स्ट, अरेबल लैंड इन द इरिगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग स्लाइम ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. जो इरिगेटेड जोन है इंडिया में अब वो धीरे धीरे स्लाइम होता जा रहा है. स्लाइम मीन्स उसमें साल्ट आता जा रहा है यानी कि वो इनफर्टाइल होता जा रहा है. सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है वहां पे. जो क्वालिटी पहले थी वो वैसी नहीं रही. क्यों, क्या करा इन्होंने, ओवर इरिगेशन, ड्यू टू ओवर इरिगेशन. इसके पीछे रीजन यही है, ओवर इरिगेशन कर दिया है ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए. पंजाब और अगर हरियाणा की बात करें तो वहां की जो सॉइल है वो डिग्रेडेड हो रही है. रीजन इज ओवर इरिगेशन इन एरियाज में, क्योंकि इरिगेशन जोन थे, वाटर अवेलेबिलिटी थी, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज्यादा वाटर का यूज किया गया, ज्यादा इरिगेशन किया गया, दैट्स वाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई, सैलिनिटी. ओके, नेक्स्ट, गिली इरोजन लार्ज फॉर्म. जब गिली इरोजन लार्ज फॉर्म ले ले, ये गिली इरोजन है, अगर बीच में से ये हटके आए दिस फॉर्म, यहां से अब वाटर आने लगे अपने साथ में मिट्टी लेकर के, दिस इज कॉल्ड द रेवाइंस. चंबल बेसिन में होते हैं ये, चंबल बेसिन में इन्हें रेवाइंस कहा जाता है. ओके, नाउ वी डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल. सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिब्रीज, रॉक्स, रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर.
ऑर्गेनिक मैटर में जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उनके डेड बॉडीज, सीज है उनके लीव्स, सूखी हुई पत्तियां, ग्रास, उन्हें ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है. सो सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ डिब्री, रॉक्स एंड ऑर्गेनिक मैटर. इट डेवलप्स अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस बनाती है एंड इसके कॉम्पोनेंट्स किन किन चीजों से मिलके बनती है, दैट इज मिनरल्स, ह्यूमस, यू कैन से दैट वेजिटेशन, मिनरल, ह्यूमस, वाटर एंड एयर, इन चीजों का मिक्सचर है सॉइल. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब किन किन चीजों की जरूरत होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में. फर्स्ट वन इज पेरेंट रॉक, सेकेंड इज क्लाइमेट, थर्ड वन इज वेजिटेशन एंड टाइम. दीज आर द मेन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो पेरेंट रॉक किस लिए, क्योंकि पेरेंट रॉक के टूटने से ही सॉइल बनती है. सो पेरेंट रॉक सबसे मस्ट है. ओके, जैसे हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स में सेडिमेंट्री रॉक्स है तो उनसे एलुवियल सॉइल बनी है, या जो ब्लैक सॉइल है वो इग्नियस रॉक से बनी है. तो पेरेंट रॉक होता है हर एक सॉइल का कि किससे वो बनी है वो सॉइल. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट में रेनफॉल, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. हमने लेटराइट सॉइल पढ़ा था कि जहां पर हैवी रेनफॉल होती है, हैवी टेम्परेचर होता है, उन एरियाज में जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट होके चले जाते हैं, जिसे हम लीचिंग कहते हैं. सो क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है. जैसे हैवी रेनफॉल हो रही है तो वहां पर इनफर्टाइल है सॉइल, बिकॉज उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट हो गए हैं. सो जैसे एरिड सॉइल है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इवोपरेशन होने की वजह से सॉइल में मॉइस्चर नहीं है. सो क्लाइमेट इज मेन फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. थर्ड इज वेजिटेशन. वेजिटेशन को हमने जो ट्रीज है उनकी लीव्स है या ग्रास है उनसे ये ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ये ह्यूमस बनती है सॉइल में. सो ह्यूमस इज मस्ट फॉर द फर्टिलिटी. सॉइल में फर्टिलिटी आएगी अगर ऑर्गेनिक मैटर होगा, तो वो कहाँ से आता है, वेजिटेशन से आता है. एंड लास्ट वन इज टाइम. टाइम ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन सॉइल. हमने ये पढ़ा था कि एक थिन लेयर बनने में, सॉइल की थिन लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए टाइम इज अ फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन, बिकॉज जितना ज्यादा पुरानी कोई सॉइल होगी उतने ज्यादा उसमें फाइन ग्रेन्स मिलेंगे, उतनी ज्यादा वो फर्टाइल हो सकती है क्योंकि उसमें फाइन ग्रेन्स है. कंकर नोड्यूल्स नहीं मिलेंगे उसमें अगर वो उसका टाइम है, पीरियड है वो काफी पहले का है. सो दीज आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन. थर्ड क्वेश्चन इज थ्री हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल. सो वी हैव टू डिस्कस द सॉइल प्रोफाइल. दिस इज हॉरिजॉन ए, देन हॉरिजॉन बी एंड दिस इज हॉरिजॉन सी. ये एक तरह से लेयर्स है सॉइल की. तो फर्स्ट लेयर है जो जिसे हम हॉरिजॉन ए कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर. सो दीज कंपोनेंट आर फाउंड इन अपर लेयर, दैट इज हॉरिजॉन ए. हॉरिजॉन बी इज अ ट्रांजिशन लेयर बिटवीन हॉरिजॉन ए एंड सी. सो दिस इज ट्रांजिशन लेयर, इसे ट्रांजिशन लेयर भी कहा जाता है. तो कुछ मटेरियल इसमें ए हॉरिजॉन का मिलेगा एंड इसकी जो लोअर लेयर है इसमें जो मटेरियल मिलेगा वो सी हॉरिजॉन का मिलेगा. ओके, एंड द थर्ड जोन इज, द थर्ड लेयर इज लूज पेरेंट रॉक्स. जो पेरेंट रॉक्स है उसके बड़े बड़े पीसेस यहाँ पर मिलेंगे, वो लूज फॉर्म में मिलेगा एंड बिल्कुल नीचे बीनीथ पेरेंट रॉक्स. यहाँ पर पेरेंट्स रॉक्स मिलेंगे जिनको बेड रॉक्स भी कहा जाता है, बेड रॉक्स. सो हॉरिजॉन ए में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर. हॉरिजॉन बी इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन लेयर
एंड हॉरिजॉन सी लूज पेरेंट रॉक इसमें मिलेंगे, जो इनके पीसेस पेरेंट रॉक्स और बेड रॉक्स के पीसेस होने से यहाँ पर लूज पेरेंट रॉक्स. ओके, सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉइल डिग्रेडेशन. सॉइल डिग्रेडेशन मीन्स जब सॉइल की क्वालिटी डिक्लाइन हो जाए. सो डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन. डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ड्यू टू इरोजन और मिसयूज. ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज सॉइल डिग्रेडेशन हैपेंस. मीन्स या तो कहीं पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, या इरोजन हो रहा है वाटर और एयर के थ्रू, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है. या आप फर्टिलिटी क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, दिस इज द सॉइल डिग्रेडेशन. सो मिसयूज करने से और इरोजन से जो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाए, उसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो जाए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स है वो खत्म होने लगे, दैट इज कॉल्ड द सॉइल डिग्रेडेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से सॉइल के ये पार्ट है. एलुवियल, एलुवियल सॉइल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज खादर एंड बांगर. खादर इज अ न्यू फ्लड प्लेन एंड बांगर इज ओल्ड फ्लड प्लेन. ये न्यू फ्लड प्लेन है तो यहां का जो एलुवियम होगा वो न्यू होगा, एंड यहां का जो एलुवियम ओल्ड एलुवियम. यहां पे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो न्यू है, जबकि यहां पर पुराना एलुवियम है जो डिपॉजिट कराया किसने, रिवर्स ने. खादर इज मोर फर्टाइल एंड दिस इज लेस फर्टाइल. कभी रिवर्स की वजह से कभी फ्लड आती थी जिन प्लेन्स में, उन्हें बांगर कहा जाता है. जिन प्लेन्स में पहले फ्लड आती थी, रिवर की वजह से फ्लड आती थी, तो उनमें फर्टिलिटी बनी रहती थी, लेकिन बांगर वो एरिया है जहां पर अब फ्लड नहीं आती है, इसलिए इसे ओल्ड एलुवियम कहा गया है या ओल्ड फ्लड प्लेन कहा गया है. जबकि खादर वो एरिया है जहां पर अभी भी फ्लड आती है एवरी ईयर. तो क्या होते हैं ये, रिन्यू एवरी ईयर, हर साल ये रिन्यू हो जाते हैं, इनके सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, इसलिए ज्यादा फर्टाइल है एंड ये कम फर्टाइल है. बांगर में कंकर नॉड्यूल्स भी मिलते हैं एंड इसमें फाइन ग्रेन्स मिलते हैं. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर. तो ज्यादा फर्टाइल कौन सा है, खादर. बांगर जबकि कम फर्टाइल है, यहां पर फ्लड अब नहीं आती है, तो ये ओल्ड एलुवियम प्लेन है. दीज आर न्यू एलुवियम प्लेन और यू कैन से दैट न्यू फ्लड प्लेन. ओके, नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट यू मीन बाय सॉइल कंजर्वेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंजर्व द सॉइल. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू कंट्रोल soil erosion maintain soil fertility and improved degraded land. So soil conservation का मतलब होता है soil को बचा के रखना, उसकी देखभाल करना. क्यों, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाना सॉइल को, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है वो बनी रहे, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन. एंड इम्प्रूव्ड डिग्रेडेड लैंड, और ड्यू टू सम रीजन जो लैंड है, जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गई है, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, दैट इज द सॉइल कंजर्वेशन. ओके, कंजर्वेशन में आपको ये तीन पॉइंट्स तो क्लियर होने चाहिए, तीन पॉइंट ही आपने लिखने हैं.
मेजर टू कंजर्व सॉइल, सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे? सो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटने से सॉइल इरोशन है वो ज्यादा होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखेगी, तो वाटर और एयर की वजह से ज्यादा इरोजन नहीं होगा। सेकेंड इज कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल करना है ताकि जो न्यू प्लांट्स हैं वो भी बने रहें और जो सॉइल है उसको वो लूज ना हो, जो कैटल्स हैं उनके फूड की वजह से जो सॉइल है लूज हो जाती है जिसकी वजह से वो उसका इरोजन जल्दी होता है, तो कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग पर। नेक्स्ट बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस फॉरेस्ट में की जाती है, मतलब इस टाइप की फार्मिंग है ये फॉरेस्ट जो ट्राइबल्स होते हैं वो करते हैं, फॉरेस्ट के किसी भी एक पार्ट को सेलेक्ट करके उसको क्लियर करा जाता है, फिर उसको बर्न करा जाता है, फिर वहां पर खेती करी जाती है, उसके बाद में 2-4 साल बाद जब उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाए तो दे मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, तो वो दूसरे प्लेस पर मूव हो जाते हैं, तो इस चीज को रोकना चाहिए क्योंकि सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, इसमें सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है एंड वो दूसरे पार्ट पर जा रहे हैं, उसको सॉइल को बिना कोई इंप्रूवमेंट करे उसमें, सो बैन कल्टीवेशन बैन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेरेस फार्मिंग, हमने ये पढ़ा था कि स्लोप की वजह से जो सॉइल है उसका इरोजन बहुत जल्दी हो जाता है, सो इसको रोकने के लिए हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, टेरेस फार्मिंग दिस टाइप से, तो अगर सॉइल और वाटर के साथ में नीचे भी जा रही है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, जो ये इसे सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं टेरेस फार्मिंग, तो इस हिली एरियाज में सॉइल इरोजन रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैथड है। नेक्स्ट इज प्लगिंग ऑफ गिलीज, हिली एरियाज में गिलीज बन जाती है, वाटर है वो एक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा है और जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है उस पाथ की जो सॉइल है उसको भी वो नीचे ले आता है, तो ये जो स्पेस होता है ये ब्लैंक हो जाता है, यहाँ से सॉइल हटती जा रही है, तो इसको रोकने के लिए प्लगिंग करनी चाहिए, या तो यहाँ पर पत्थर लगा करके डैम्स बना दिए, चेक डैम्स, या फिर कुछ बुशेस या ट्रीज वेजिटेशन है वो यहाँ पर बीच में ग्रो कर दी जिसकी वजह से अब इरोजन में कमी आएगी या इरोजन नहीं होगा, तो प्लगिंग ऑफ गिलीज मतलब गिलीज को रोकने के लिए बीच में कुछ रुकावट पैदा कर देना। ओके, नेक्स्ट वन इज शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा इरोजन की वजह से होता है, तो विंड इरोजन रोकने के लिए शेल्टर बेल्ट यानी कि फार्म के चारों ओर ट्रीज ग्रो कर दिए गए तो ये एक शेल्टर बेल्ट बन गई जिसकी वजह से जो मिट्टी है अब वो उड़ करके बाहर नहीं जाएगी, दिस इज कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट, तो शेल्टर बेल्ट प्रोविजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल कंजर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल इज फर्टाइल और नॉट, एक कोई सॉइल है वो फर्टाइल है या नहीं तो हमें कैसे पता चलता है, हम उस सॉइल का टेस्ट करवाएंगे, उस सॉइल के जो सैंपल है उनको देकर के उसमें टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा उनमें कौन से मिनरल्स हैं, कौन से कंटेंट है, तो सॉइल का टेक्स्चर, सॉइल का कलर एंड सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मैटर है इनसे हमें पता चलता है कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं है। कुछ सॉइल्स में पोटैश होता है, फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम कंटेंट होता है एंड नाइट्रोजन कंटेंट होता है, कुछ सॉइल्स में इनकी कमी होती है तो उससे भी हम जज कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। सो अब ये पूछ रखा है कि नेचुरल फर्टिलिटी और इंड्यूस्ड फर्टिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल फर्टिलिटी जब ये सारे फर्टिलिटी सॉइल की तब होती है तब उसमें ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ह्यूमस होता है, सो वो सॉइल फर्टाइल होती है, बट इंड्यूस्ड फर्टिलिटी में मतलब कि वो नेचुरली फर्टाइल नहीं है कोई सॉइल और हम वहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, एक तरह से हम आर्टिफिशियल फर्टिलिटी उसमें लेके आ रहे हैं, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फर्टिलिटी एंड इंड्यूस्ड फर्टिलिटी। एलुवियल सॉइल आपके पास में फर्टाइल है, आप वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं,
जबकि लैटराइट सॉइल है उसमें इतने सारे कंटेंट्स, इतने सारे मिनरल्स नहीं है, तो वहां पर हम फर्टिलाइजर का यूज करके फिर उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज द इंड्यूस्ड फर्टिलिटी. ओके, एंड द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज ऑफ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपने. ब्लैक सॉइल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वोल्केनो इरप्शन से जो लावा बाहर आता है उसके डिपोजिट होने से बेसाल्ट रीजन बना है जिसमें कि ब्लैक सॉइल मिलती है. इसका कलर ब्लैक इसलिए है क्योंकि इसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम मिलता है. इसका टेक्सचर क्ले ही है. क्ले टेक्सचर होने की वजह से ये जब ड्राई हो जाती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं. ओके, एंड ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि कॉटन की ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छी है ब्लैक सॉइल. एंड इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट की कमी होती है जबकि कैल्शियम, लाइम, आयरन इसमें मिनरल्स इसमें मिलते हैं. एंड इसका कलर डीप ब्लैक से लेकर के लाइट ब्लैक तक हो सकता है, डिफरेंट शेड हो सकती है. एंड इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में ये मिलती है एंड इसे मैच्योर सॉइल भी कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड डू योर स्टडीज रेगुलरली. ऑब योर पेरेंट्स, स्टे एट होम. थैंक यू.